Hello guys, welcome to Flight Pro. You're watching Microsoft Flight Simulator और आज हम descent की जो whole process है, descent कब करते हैं, कैसे करते हैं और landing कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आज हम discuss करने वाले हैं in this video. और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 38,000 feet पर हैं और अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये लगभग 120 नॉटिकल माइल्स की रेंज में आ रहा है. देखिए ये जो पॉइंट है, ये 40 नॉटिकल माइल्स का, यहाँ 80 लिखा हुआ है, ये 120 लिखा हुआ है. तो ये 120 नॉटिकल माइल्स है और ये 160 नॉटिकल माइल्स है. तो हम आज जो लैंडिंग करेंगे वो दिल्ली में लैंडिंग करेंगे. रनवे 29 हम उतरेंगे, रनवे 29 से, और रनवे 29 के लिए हम ILS अप्रोच करेंगे. ILS अप्रोच होती है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम क्या होता है? सो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो वर्टिकल नेविगेशन बताती हैं, गाइड करती हैं एयरक्राफ्ट को कि एयरपोर्ट यहाँ है, आपको इस तरफ लैंड करना है, ये आपका पाथ है. और कुछ हम चीज़ें देखेंगे प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले में भी कि हम परफेक्ट ग्लाइड स्लोप पे हैं या नहीं. अब देखिए जैसे ये 120 नॉटिकल माइल्स की रेंज है, मैं आपको बताता हूँ डिसेंट कब कैसे करना चाहिए. तो ये 120 नॉटिकल माइल्स की रेंज है, ये 160 है और ये दिल्ली है, दिल्ली एयरपोर्ट. अब मैं आपको बताऊंगा कि डिसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिसेंट कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं, बट जो मैं यूज़ करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं. यहां पर ऑल्टीट्यूड लिखा है 38,000 फीट. 38,000 फीट यहां ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है. इस ऑल्टीट्यूड में आप आगे के दो ज़ीरो हटा के लिखेंगे 380 के बाद आपको डिसेंट कितना डिसेंट करना है. मैं आज जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5000 फीट इसमें ले रहा हूँ और आगे भी हम जैसे डिसेंट करेंगे मैं आपको आगे और बताता जाऊँगा. अब ये जो कांस्टेंट इन्फो डिस्प्ले है मैं इसको कर देता हूँ बंद, इसको मैं बंद कर देता हूँ. अब यहाँ पर हमें 5000 फीट तक जाना है तो मैं 5000 फीट के आगे के दो ज़ीरो हटा के यहाँ लिखूँगा 50. यहाँ 50 लिख लिया, ये 50 380 में से माइनस करेंगे विच बिकम्स 330. 33,000 फीट हमें नीचे जाना है और 33,000 फीट नीचे जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस लगेगा वो कैलकुलेट हम करेंगे यहाँ पर. तो इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से विच बिकम्स 110. इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से विच बिकम्स 110. अगर आप 35,000 फीट पे होते और अगर आपको 5,000 फीट जाना होता तो आप इसमें से 5,000 माइनस करते, सॉरी 350 माइनस 50 विच बिकम्स 300. इसको आप डिवाइड करते 3 से विच बिकम्स 100. सो इट्स सिंपल कैलकुलेशन. ऑलराइट, अब हमारे पास 110 नॉटिकल माइल बेयर मिनिमम है, ये 120 पे है. तो अब हम डिसेंट शुरू करते हैं और डिसेंट शुरू करने के लिए आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, नहीं है तो आप flightsim.to से डाउनलोड कर सकते हैं. ये मैंने जस्ट फॉर द रेफरेंस आपके लिए रखा हुआ है. और हम सबसे पहले सीट बेल्ट साइन ऑन करेंगे. ये हमने सीट बेल्ट साइन ऑन कर लिया और इसको हम सेट करेंगे 5000 फीट पे. ये हमने 5000 फीट सेलेक्ट कर लिया और इसको कर देंगे एंगेज. ये हमने एंगेज कर दिया. यहां पर आप देख रहे हैं GS, ये देखिए ये थ्रस्ट आइडल हो गया है. ये ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट डिसेंट मोड में आ चुका है. यहां फ्लाइट लेवल 050 लिखा है जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहां पर. अब दो तरीके हैं, एक तो या तो आप एयरक्राफ्ट के ऊपर छोड़ दें कि एयरक्राफ्ट डिसेंट कैसे करेगा और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके डिसेंट पोजीशन
में आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर 447, 448 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्राउंड स्पीड, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्पीड, ये होती है नॉट्स में। तो 446 ग्राउंड स्पीड है हमारी, तो 446 को आप या तो मल्टीप्लाई कर लो 5 से या फिर इसको डिवाइड कर लो 2 से और उसमें आगे एक ज़ीरो और जोड़ सकते हो। तो सिंपल कैलकुलेशन में अगर आप 440 समवेयर अराउंड 440 अगर आप लोगे तो 440 का आप आधा करो तो 2200 फीट, उसमें आप 50 फीट और ऐड कर लो विच बिकम्स 2250 फीट। नहीं तो आप कैलकुलेटर ओपन करिए, कैलकुलेटर अगर आप ओपन करोगे यहाँ अभी ग्राउंड स्पीड आपको ज़्यादा दिखेगी क्योंकि हम डिसेंड कर रहे हैं, तो उस तरह से आप डिसेंड कर सकते हो। और अगर आपने 2250, जैसे मान लो आपने 2250 ले लिया, आपने 2250 कैलकुलेट किया है, तो आप यहाँ वर्टिकल स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो 2250 माइनस में। और इसमें विंड का भी एक बहुत अहम रोल होता है, टेल विंड होती है या हेड विंड होती है। अगर टेल विंड होती है यानी कि एयरक्राफ्ट को पीछे से हवा धकेल रही है आगे, तो आपको जितने भी नॉट्स की स्पीड आ रही है उसमें आपका जो जितना कैलकुलेशन है, जैसे 110 नॉटिकल माइल्स हमारा कैलकुलेशन था, उसमें आप 5 नॉटिकल माइल्स ऐड कर देंगे जितनी भी आपको टेल विंड मिल रही है। अगर आप सामने से हेड विंड आपको आ रही है तो आप 5 नॉटिकल माइल्स माइनस कर देंगे। और ये डिफ़र करता है कि आपकी जो हवा है, टेल विंड है या हेड विंड है, वो कितनी आ रही है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके 5 नॉटिकल माइल्स या 10 नॉटिकल माइल्स आप माइनस एंड एडिशन करते हैं उसमें। अच्छा, इसके बाद अभी फ़िलहाल मैंने एयरक्राफ्ट पे ही छोड़ा हुआ है, वो अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है स्पीड। और मुझे पता है कि बहुत जल्दी मैं 5000 फीट पे आ जाऊंगा, सो लेट इट बी लाइक दिस। आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए आप इसे एयरक्राफ्ट के ऊपर ही छोड़ दीजिएगा। ये जो मैं एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा हूँ ये फ्लाई बाय वायर का मॉडिफाइड वर्जन है। अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो ये फ्लाई बाय वायर का मॉडिफाइड वर्जन है। ऑलराइट, जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर VIDP का जो मेटार है वहाँ क्या कंडीशन चल रही है वो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा MCDU मेन मेन्यू, उसके बाद क्लिक करेंगे ATSU पे। ATSU क्लिक करने के बाद AOC मेन्यू, AOC मेन्यू करने के बाद या तो आप वेदर रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको ATIS भी ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक्टिव रनवे कौन सा है। उस हिसाब से अगर आपको कहा जाएगा या रनवे 29 पे, जैसे अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं, और अगर ATIS में लिखा हुआ है कि रनवे 11 या रनवे 10 इज़ इन एक्टिव फॉर अराइवल, तो आपको उस हिसाब से ATC से बात करके आपको अपना लैंडिंग चेंज करना होगा। फ़िलहाल हम 29 ही रखते हैं उसको। तो यहाँ ये फ़िलहाल एक्टिव ATIS पे क्लिक करके VIDP पे यहाँ आप सेंड करेंगे। जैसे आप सेंड करेंगे यहाँ पर एक प्रिंटर होता है छोटा सा, प्रिंटर से आपको ये प्रिंट निकल के आएगा वो यहाँ। अब उस प्रिंटर को आप प्रिंट को आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फ़िलहाल ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें QNH दिया हुआ है 1008, या तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास, आप जब अपना फ़्लाइट प्लान बनाते हैं तो आप सिमब्रीफ से फ़्लाइट प्लान बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जो फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे अपना फ़्लाइट प्लान जनरेट करके आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ये मैंने भोपाल से दिल्ली का बनाया हुआ है, आई एम गोइंग टू फ्लाई दिस अगेन। तो जब फ़्लाइट प्लान आपका आ जाएगा तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में आपको यहाँ पर वेदर रिपोर्ट्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको QNH 1007 लिखा हुआ है, तो ये आप फीड कर सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो हम यहाँ 1008 लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड को हटाते हैं 1008, इसको कर दिया।
और 10,000 फीट जैसे हम क्रॉस करेंगे, हम लैंडिंग लाइट्स ऑन करेंगे, बाकी हमारे पास जो चेकलिस्ट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। टीकैस BLW, तो हमारा जो टीकैस है वो हम उसे BLW कर लेते हैं यहाँ पर। ये BLW कर लिया, इसको हम ऑटो पे कर देते हैं। ये स्क्वॉक होता है, स्क्वॉक आइडेंटिफायर होता है आपका एयरक्राफ्ट का, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो ग्राउंड पे जो कंट्रोल कर रहे हैं एयर ट्रैफिक, उनका उनको आइडेंटिफायर है कि आपके एयरक्राफ्ट 7463 है, ये आपके एयरक्राफ्ट का नंबर है और आपका एयरक्राफ्ट ऐसा इस तरफ फ्लाई कर रहा है। तो ये हर एयरक्राफ्ट को मिलता है स्क्वॉक कोड। ऑलराइट, उसके बाद है सीट बेल्ट साइन, हमने ऑन कर लिया है। बैरो रेफरेंस हमने सेट कर लिया है। लैंडिंग वेदर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, लैंडिंग डेटा रिव्यूड, NTIs की ज़रूरत नहीं है। लैंडिंग लाइट्स हम ऑन करेंगे जब 10,000 फीट के बाद आ जाएंगे, उसके बाद लैंडिंग चेकलिस्ट हम कंप्लीट करेंगे। तब तक रेड नैव पे क्लिक करते हैं हम। हमारा जो रनवे है, रनवे 29, उसका हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डालनी चाहिए। हम उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे यहाँ पर, और वो डालेंगे हम ये वाली 114.6। बाकी दूसरी भी दी हुई हैं 116.1, पर ये रनवे 28 की हैं। हम रनवे 29 पे पहुँचेंगे तो हमें ये डालना है। 114.6 डालते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, 114.6, 114.6। और CRS दिया हुआ है यहाँ पर। CRS मींस, ये देखिए, LS फ्रीक्वेंसी 110.9। अब मैं अगर यहाँ खोलता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है IGDM, ILS DME, ILS DME 110.9। तो ये जो ग्लाइड स्लोप दिख रहा है आपको, हम यहाँ लोकलाइजर कैप्चर करेंगे यहाँ आने के बाद। ये आपको ग्लाइड स्लोप दिख रहा होगा, सेम यही चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है, ये रनवे बनाया हुआ है। और यहाँ आने के बाद इस पॉइंट पे D5.8 आने के बाद, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की बदौलत या उसके सपोर्ट से हमारा एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। वो कैसे जाएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल जो हम 10,000 फीट आने वाले हैं, अभी 11,000 फीट पे हैं, हम एक काम करते हैं, लैंडिंग लाइट्स करते हैं ऑन यहाँ पर 10,000 फीट आने के बाद। और आपको ये फ्रीक्वेंसी, ये जब आप डालेंगे 114.6, उसके बाद यहाँ पर आपको ये दो पॉइंट्स आएंगे, ये इंडिकेटर हैं ILS के लिए। अगर मैं यहाँ पर इसको ILS कर देता हूँ तो ये अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम जब फाइनल अप्रोच करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। ऑलराइट, जैसे हम 10,000 फीट क्रॉस कर रहे हैं, हम लैंडिंग लाइट्स करते हैं ऑन। ये देखिए 10,700, और बहुत धीरे धीरे हम डिसेंड कर रहे हैं। फिलहाल डिसेंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें इस स्पीड पे पहुंचना है पहले। हम पहले 250 पे आ जाएं, उसके बाद ये डिसेंड करना दोबारा से शुरू करेगा। ये देखिए, ऑलराइट, ऑटोमेटिकली दिस इज़ परफेक्ट। ऑलराइट, नाउ 114.6, इससे पहले लैंडिंग लाइट्स, रनवे टर्न, टेक ऑफ लाइट्स, दिस शुड बी ऑन। और 114.6 के बाद ये CRS दिख रहा है, ये होता है फाइनल कोर्स, वो भी आपको जीप्सन चार्ट से मिल जाएगा। फाइनल अप्रोच कोर्स 283 डिग्रीज, यहाँ पे भी लिखा है 283 डिग्रीज, यहाँ पे भी लिखा है 283, और यहाँ पर भी लिखा है 283। तो हम डालेंगे 283 का फाइनल कोर्स, 283। ऑलराइट, दिस इज सेट। ये VOR टावर है, इस टावर की फ्रीक्वेंसी हमने डाल दी है। यहाँ पर इसको ऑन करना होगा आपको, शुरुआत में ही ऑन करना होगा जब आप अपनी फ्लाइट शुरू करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगा।
यहाँ पर ATIS की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, आप इसको अगर ATIS पे आप यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो आपको वहाँ का ATIS पता लग जाएगा। ये दिल्ली अप्रोच की फ्रीक्वेंसीज हैं, दिल्ली अराइवल की फ्रीक्वेंसी है, ये टावर साउथ, ये ग्राउंड साउथ, और ये बताता है दिल्ली इंडिया ILS रनवे 29। हम 29 पे पहुंच रहे हैं, ये आपको रनवे दिख रहा है यहाँ पर, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एयरपोर्ट रनवे से पहले जो प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर पापी PAPI यहाँ लिखा हुआ है, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, ये बताता है आपको अगर आप मैनुअल फ्लाई कर रहे हैं तो ये आपको बताता है, या आप कैट 3 लैंडिंग कर रहे हैं जीरो विजिबिलिटी में ऑटो लैंड कर रहे हैं तो ये आपकी एयरक्राफ्ट को गाइड करता है कि आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहे और रनवे के बिल्कुल बीचों बीच उतरे। ऑलराइट, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जब हम ग्लाइड स्लोप पे आ जाएंगे, जब एयरक्राफ्ट लैंड होने लगेगा तो ये आपको चार लाइट्स दिखेंगी लेफ्ट में, ये चार लाइट्स या तो लेफ्ट में होती है या तो राइट में होती है डिपेंडिंग ऑन दी एयरपोर्ट एंड द रनवे। पापी लाइट्स, इसका दो वाइट होना और दो रेड होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो परफेक्ट ग्लाइड स्लोप या परफेक्ट 3 डिग्रीज पे लैंड करता है। और अगर यहाँ 3 रेड लाइट हो जाती हैं और 1 वाइट होती है, इसका मतलब ये है कि हमारा एयरक्राफ्ट बहुत नीचे है, और यहाँ अगर 3 वाइट होती हैं और 1 रेड होती है, इसका मतलब है हमारा एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर है, और ये बहुत अच्छी एक इंडिकेशन है आपके लिए एज अ पायलट बताने के लिए कि आपका एयरक्राफ्ट किस पोजीशन पे है और आप ठीक लैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 3 चीज़ें होती हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3। कैट 3 में भी सब कैटेगरीज होती हैं, कैट A, कैट 3A, कैट 3B एंड कैट 3C। कैट 3C जीरो विजिबिलिटी में आप लैंड कर सकते हैं, उसके बाद कैट 3B 50 मीटर आता है विजिबिलिटी, कैट 3A 175, कैट 2 300 मीटर एंड लाइक दिस। तो इसमें और कुछ फ़िलहाल बताने के लिए है नहीं, मैं 5000 फीट हम आ चुके हैं, काफ़ी जल्दी आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से लेंगे हम राइट। मुझे स्पीड कम कर लेनी चाहिए, इस टाइम पर आपको स्पीड अपनी करनी चाहिए 210 नॉट्स, 210 नॉट्स कर देते हैं, प्लस यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2600 फीट, ये 2600 फीट दिया हुआ है, विच मीन्स कि जब आप इस ग्लाइड स्लोप को कैप्चर करेंगे तो ये कैप्चर होगा 2600 पर, आपको 2600 आना ही पड़ेगा, तभी आपका जो एयरक्राफ्ट है वो ऑटोमेटिकली लैंड करेगा। तो हम यहाँ 2600 डालेंगे और हम इसको कर देंगे एंगेज, अभी फ़िलहाल एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी हम वैसे भी चल सकते हैं, काफ़ी टाइम है अभी फ़िलहाल हमें नीचे जाने के लिए, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम 2600 पे पहुंचने के बाद हम लोकलाइजर कैप्चर करेंगे और ग्लाइड स्लोप पर आएंगे तो वो कैसे होएगा। यहाँ पर आने के लिए ये हमने VOR टावर डाल दिया है यहाँ पर, उसके बाद PREF पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम एक्टिव फेज़ क्लिक करेंगे। एक्टिव फेज़ करने के लिए आपको QNH डालना बहुत ज़रूरी है 1008, इसको आपको जब आप क्रूज़ कर रहे हैं या आप जब आप डिसेंड कर रहे हैं तब भी आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डाल सकते हैं कभी भी। यहाँ पर लिखा है 80 डिग्री से 07 नॉट्स, ये डाल दिया,
टेम्परेचर 26, 26 डाल देते हैं यहाँ पर. ऑलराइट, ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड डालते हैं 6000 फीट, ये डाल दिया 6000 फीट. ऑलराइट, ओके, और हम प्रिपरेशंस करते हैं. चेकलिस्ट, कैबिन क्रू हम एडवाइस करते हैं अभी कुछ ही देर में, लैंडिंग गियर की अभी ज़रूरत नहीं है, फ्लैप्स करेंगे डाउन और ये सब हम सारी चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे. अभी इसको करने के लिए टाइम है. अप्रोच चेकलिस्ट हमारी हो चुकी है कंप्लीट. ऑलराइट, परफेक्ट. एयरक्राफ्ट ने 2500 फीट बोला. ऑटो ब्रेक सेट करेंगे हम मीडियम पर. ऑटो ब्रेक आपको सेट करने होंगे मीडियम पर और इसे ब्रेक लीवर को ऑटो पे करना होगा, ऊपर करना होगा. ओके, और स्पीड हम करेंगे और कम. और कम करने से पहले आपको फ्लैप्स बंद करना पड़ेगा. ये अगर आप देख रहे हैं, ये पॉइंट ये है जो ये मिनिमम स्पीड एयरक्राफ्ट मेंटेन करेगा विदाउट फ्लैप्स. अब हम अगर फ्लैप्स कम करते हैं, फ्लैप्स बंद करते हैं सॉरी, जैसे हमने फ्लैप्स बंद किया तो ये स्पीड का साइन नीचे आ गया और ये रेड डॉट्स इसलिए आए हैं आपको बताने के लिए कि फ्लैप्स वन के साथ इस स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए. ये आया है 180 से थोड़ा सा ऊपर, तो हम ये सेट कर लेते हैं 180. इसको कर देते हैं एंगेज. ये एंगेज जैसे ही किया है, हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है थ्रॉटल और स्पीड को ला रहा है 180. QNH आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हेडिंग है हमारी और ऑलमोस्ट नॉर्थ की तरफ ही हैं हम. ऑटो पायलट वन इज एंगेज्ड, फ्लाइट डायरेक्टर वन एंड टू बोथ आर एंगेज्ड. ऑलराइट, ये स्पीड आ चुकी है 180. अब हम इस फ्लैप्स 2, 3 और 4 करेंगे, बट अभी नहीं. अभी ये जो थोड़ा सा आपको पाथ दिख रहा है यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम फ्लैप्स करेंगे. ये आपको जो दिख रहा है रनवे 29 दिख रहा होगा, यहाँ पर VIDP लिखा है. यहाँ पर आने के बाद हम ग्लाइड स्लोप कैप्चर करेंगे. लॉक मोड ऑन कर लेता हूँ अब मैं, कुछ ही देर में लॉक मोड ऑन करते हैं. और लॉक मोड ऑन करने के बाद कुछ चेंजेस आपको यहाँ दिखेंगे, कुछ डॉट्स बने आएंगे यहाँ पर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और एक बात, जो हम ऑटो ब्रेक सेट करते हैं वो हमेशा या तो लो या फिर मीडियम पे सेट करेंगे, हम मैक्स पे कभी सेट नहीं करते हैं. मैक्स की जो सेटिंग होती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेक ऑफ के टाइम पर होती है, जो कि रिजेक्टेड टेक ऑफ के लिए हमें मैक्सिमम ब्रेकिंग चाहिए होती है टायर्स से. लैंडिंग के टाइम पे मीडियम या फिर लो. ऑलराइट, मैं यहाँ लोकलाइज़र क्लिक करता हूँ कि मैंने लोकलाइज़र ऑन कर लिया. और ILS के लिए ILS इन्फो डिस्प्ले ऑन करेंगे हम. यहाँ लिखा हुआ है टर्न ऑन ILS इन्फो डिस्प्ले, तो ये LS लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे. यहाँ ये हमने जैसे क्लिक किया IDGM जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था अपने चार्ट्स में, IGDM 110.9, IGDM 110.9, ये आपका यहाँ पर आ गया. और 11 नॉटिकल माइल्स यहाँ लिखा हुआ है, 11 नॉटिकल माइल्स दूर है वो. ऑलराइट, अब हम यहाँ टर्न कर रहे हैं और यहाँ पर आपके अपर ई कैम डिस्प्ले पे कुछ चीज़ें आई हैं आपको बताने के लिए कि ये आपको करना है. चलिए कैबिन एडवाइस करते हैं. कैबिन एडवाइस कर दिया है. ऑलराइट, फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लीज प्रिपेयर फॉर लैंडिंग. लैंडिंग गियर डाउन करेंगे, फ्लैप्स फुल करेंगे. ऑलराइट, ओके,
फ्लैप्स कर लेते हैं टू। ऑलराइट, फ्लैप्स करते हैं टू, फ्लैप्स हैं यहाँ पर, फ्लैप्स करते हैं टू, और ये स्पीड और कम हो गई है, इसको हम कर देते हैं मैनेज पर। स्पीड इज मैनेज्ड नाउ। ऑलराइट, स्पीड कम हो रही है और हम फ्लैप्स थ्री करेंगे। कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये ग्लाइड स्लोप के लिए, ILS के लिए कुछ डॉट्स आए हैं, कुछ इंडिकेटर्स आए हैं, यहाँ पर मजेंटा डायमंड और यहाँ पर मजेंटा डायमंड, ये हॉरिजॉन्टल मजेंटा डायमंड है जो कि बताता है कि आप किस, आपका एयरक्राफ्ट जो रनवे है वहाँ से लेफ्ट में है या राइट में है। तो ये जो मजेंटा डायमंड है, अगर ये यहाँ पर बिल्कुल बीच में आ जाता है, विच मीन्स कि आपका जो रनवे है वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की सीध में है, बिल्कुल सामने है, वैसे ही ये वर्टिकल बताता है, वर्टिकल इंडिकेटर आपका जो एयरक्राफ्ट है। पहले हम करते हैं फ्लैप्स थ्री, फ्लैप्स थ्री कर लेते हैं। ऑलराइट, ये बताता है कि आपका एयरक्राफ्ट ऊपर है या नीचे है। अगर ये मजेंटा डायमंड यहां पर आ जाता है एग्जैक्ट, विच मीन्स कि आप परफेक्ट ग्लाइड स्लोप पर हैं, ये ऊपर चला जाता है यानी कि आप बहुत नीचे हैं, और अगर ये नीचे चला जाता है यानी कि आप बहुत ऊपर हैं, और अच्छे से आप बिल्कुल परफेक्ट ग्लाइड स्लोप पर नहीं हैं और लैंड नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों यहाँ आ जाते हैं, विच मीन्स कि हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट ग्लाइड स्लोप पर है, बहुत अच्छे से लैंड करेगा ईजिली। ऑलराइट, यहाँ से हम जैसे ही टर्न लेंगे, यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट लेते हैं, वैसे ही मैं चेक करूँगा कि ये लोकलाइजर का जो ये मजेंटा डायमंड है ये यहाँ आ जाना चाहिए। जैसे ये यहाँ आ जाएगा उसके बाद हम अप्रोच फेज ऑन कर देंगे। यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट आ चुका है। जैसे ही हम D5.8 पे आएंगे, हम 2600 पे होने चाहिए ताकि हम ग्लाइड स्लोप कैप्चर कर लें। ऑलराइट, इसके लिए आपको अगर आप नेविग्राफ चार्ट्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल करके आपको दिल्ली का जो चार्ट है, जेप्सन चार्ट, वो आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सेट दिस एज वेल। ये आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ में, 1008, ये मैं सेट करना भूल गया था। आप डिसेंट जैसे ही करेंगे, ये QNH सेट करते हैं, उसके साथ साथ ये QNH भी आपको सेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, चेकलिस्ट में सिर्फ फ्लैप्स फुल बचा है और गियर डाउन बचा है। लैंडिंग गियर यहाँ होते हैं, ये देखिए हम यहाँ लेफ्ट ले रहे हैं, और अगर मैं इसको ILS का ऑप्शन भी करता हूँ तो जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे, ये लाइन यहाँ आ जाएगी और हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो तो सीधा ही है और बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा ILS फ्रीक्वेंसी में, यहाँ बिल्कुल ऐसा डेड स्ट्रेट मैच कर जाएगा, विच मीन्स कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और सामने ही है रनवे। जैसे ही ये टर्न लेगा, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, ऑटोमेटिकली आता है। साथ ही साथ हमारा जो लोकलाइजर है वो हम कैप्चर करेंगे यहाँ पर। जैसे ही ये डायमंड यहाँ आ जाता है, हम अप्रोच मोड ऑन करेंगे जिससे कि हमारा एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे जाना चाहिए। फ्लैप्स फुल करते हैं यहाँ पर हम, फ्लैप्स फुल। ऑलराइट, ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट और रहता है यहाँ पर,
जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे वैसे ही ये देखिए आपको ये वर्टिकल जो डायमंड है मजेंटा डायमंड ये एक्टिव दिख रहा होगा, वैसे ही ये भी एक्टिव दिखेगा अभी कुछ ही देर में। अगर आप देख रहे हो ये लाइन यहाँ पर मीट कर रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी, हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, विच मीन्स हमारा रनवे जो है वो अब बिल्कुल सामने है। हम लैंडिंग गियर करेंगे डाउन, इसको हम कर देते हैं बंद, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लैंडिंग गियर करते हैं डाउन, साथ ही साथ ये आने वाला है यहाँ पर और अप्रोच मोड ऑन करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट है हम एयरक्राफ्ट, हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल रनवे के। अप्रोच मोड ऑन करते हैं, अप्रोच मोड कर दिया है हमने ऑन यहाँ पर। और अब कैट थ्री सिंगल लिखा हुआ था यहाँ पर, अब कैट थ्री डुअल आ जाएगा जैसे ही हम सेकेंड ऑटो पायलट एंगेज करेंगे। हमें सेकेंड ऑटो पायलट भी एंगेज करना है फॉर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच, ILS अप्रोच, जो कि हम ऑटो लैंड के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ कैट थ्री डुअल आ चुका है। अब यहाँ मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। दिस इज़ ऑल सॉर्टेड, यहाँ मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। जैसे ही हम 500 फीट या 400 फीट पर होंगे यहाँ पर आपको लैंड लिखा आएगा, और जैसे ही हम 30 40 फीट अबव ग्राउंड होंगे यहाँ पर फ्लेयर लिखा आएगा। तो हम फ्लेयर करेंगे और जस्ट हमें सिर्फ फ्लेयर करना है और कुछ नहीं करना, और ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाएगा। और जो ये हमारा जो थ्रस्ट लीवर्स हैं इसको हमको आइडल करना है, थ्रस्ट लीवर्स हम आइडल करेंगे, आइडल करते साथ ही रिवर्सर्स ऑन करेंगे, alright guys, if you haven't subscribed to my channel you can please consider subscribing now and hit the bell icon so that you would be able to get upcoming notifications and we will be doing manual landing, iske baad hum manual landing karenge aur main kuch tips bataunga aapko kaise straight manual landing karte hain। क्रॉस चेक, कंटिन्यू, ये लैंड लिखा आ गया। अब फ्लेयर लिखा आएगा यहां पर, आइडल, ऑलराइट, थ्रस्ट रिवर्सर्स नाउ, थ्रस्ट रिवर्सर्स ऑन, रिवर्सर्स ग्रीन, स्पीड ब्रेक्स ऑन, ऑटो ब्रेक्स सेट टू मीडियम, परफेक्ट, थ्रस्ट रिवर्सर्स आइडल नाउ, ऑलराइट, इसको हम नीचे कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट ने लैंड किया अपने आप। और दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ज़ीरो विजिबिलिटी में भी अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली लैंड कर सकते हैं, और एयरक्राफ्ट बिल्कुल केपेबल है आपको सेफली लैंड कराने के लिए। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। ऑलराइट, अब हम एक और लैंडिंग ट्राई कर रहे हैं, मैनुअल लैंडिंग।
जैसा कि आपने देखा अभी फ़िलहाल कैट 3 डुअल ऑन है ऑटोमेटिक लैंडिंग के लिए। अगर आप मैनुअल लैंडिंग करना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि मैनुअल लैंडिंग कैसे की जाती है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आप ये जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, ये रनवे देख रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में, और इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। इमेजिनरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जो कि आपके दोनों पैरों के बीच में से जानी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल बीच से जानी चाहिए इमेजिनरी लाइन, तब आप बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे रनवे के। प्लस अगर आप जिस भी स्क्रीन पे आप खेलते हैं, ये जो ऊपर देख रहे हैं इसका एक रेफरेंस ले सकते हैं आप, क्योंकि आपके स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यहाँ से आप एक लाइन ले सकते हैं, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑलराइट, अगर अब मैं ऑटो पायलट डिसंगेज करता हूँ और हम मैनुअल लैंडिंग ट्राई करेंगे। मैनुअल लैंडिंग के लिए ये मजेंटा डायमंड दोनों यहाँ होने चाहिए, इसको आपको मॉनिटर करते रहना है। 700 से 800 फीट पर मिनट की ये जो आप देख रहे हैं, ये इस स्पीड से हम नीचे जाएंगे। ऑटो थ्रॉटल मैंने ऑन रखा हुआ है, ऑटो पायलट मैंने बंद कर दिया है, मैनुअल लैंडिंग कर रहे हैं अब हम, और इसको कर देते हैं बंद। बैरो आप सेट कर सकते हैं, प्लस आपको गो अराउंड ऑल्टीट्यूड जो मैंने अभी पुरानी वाली वीडियो में मैंने अभी लास्ट लैंडिंग में ऑटो लैंडिंग में नहीं सेट किया, वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर करीबन 6000 फीट जो मैं हमने सेट किया था, तो ये गो अराउंड हमने सेट कर लिया यहाँ पर। अब इस मजेंटा डायमंड को हम वर्टिकल वाले को हम कहीं जाने नहीं देंगे, इसको बिल्कुल यहीं रखेंगे। और जैसे ही 50-40 वो बोलेगा वैसे ही हम फ्लेयर करेंगे और आइडल करेंगे, थ्रस्ट लीवर्स आइडल करेंगे। क्रॉस चेक्ड, कंटिन्यू, मिनिमम 100, थ्रस्ट टाइटल, फ्लेयर, 20, 10, 5, ऑल राइट, रिवर्सर्स ग्रीन, डीसेल, ऑल राइट, थ्रस्ट रिवर्सर्स नाउ आइडल, मैनुअल ब्रेकिंग, ऑल राइट। एक ये तरीका है। अच्छा, इस तरीके में आपको टाइम लग सकता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा। मेरी आपने कई वीडियोस देखी होंगी पुरानी जिसमें मैंने बिल्कुल डेड स्ट्रेट लैंडिंग नहीं की थी, इसमें बाय चांस लैंडिंग हुई है। और अब हम चलते हैं पुरानी वाली वीडियो पर, और एग्ज़िट करने के बाद हम स्ट्रोब लाइट करते हैं बंद। स्ट्रोब लाइट हो जाती है ऑफ, क्योंकि ये सिर्फ ड्यूरिंग दी जर्नी ऑन रहती हैं। और राइट, यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा सा राइट, और साथ ही साथ आपको ऑन करना पड़ेगा APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। यहाँ पर ऑक्सिलरी पावर यूनिट ऑन करते हैं और लैंडिंग लाइट्स करते हैं बंद। लैंडिंग लाइट्स हमने कर दी हैं बंद, और इसको कर देते हैं टैक्सी पे। और राइट, और यहाँ से अब आप जाएंगे अपने पार्किंग पे। तो पार्किंग के लिए आप ATC कॉन्टैक्ट करेंगे ग्राउंड, रिक्वेस्ट टैक्सी टू गेट्स, ये उन्होंने पाथ दे दिया है, ये पाथ दिया है उन्होंने, टैक्सी टू गेट 224, यहाँ रुकते हैं 2 मिनट, टैक्सी टू गेट 224 वाया टैक्सीवे, चार्ली विस्की नंबर 2, यैंकी चार्ली विस्की नंबर 1, टैंगो टैंगो 3। तो ये आपके पास जो पाथ आ गया है,
वो आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा थ्रस्ट देते हैं, ये आप फॉलो करके आप अपने गेट तक पहुंच सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू लैंड। डू लेट मी नो आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, और आगे फ्यूचर में आप क्या देखना चाहेंगे, कौन कौन से ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहेंगे, क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया इसमें, डू लेट मी नो। और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई वुड बी एबल टू लर्न मच मोर। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल विद द सेम नेम। आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं ज़रूर एक पायलट बनना चाहूँगा। सो आई एम लुकिंग फॉर स्टूडेंट लोन टू बिकम अ पायलट, टू बिकम अ सक्सेसफुल पायलट ऑफ कोर्स। मुझे बहुत इंटरेस्ट है बिकमिंग अ पायलट। So I'm looking for financial institutions who can sponsor, who can give loan to me so that I can do my further studies in aviation, becoming a pilot. This is all about this tutorial. I hope you guys have enjoyed this, and I will see you guys in the next one. Later.